क्या खेसारी लाल यादव के लिए एक सपना रह जाएगा पवन सिंह को हराना? जी हाँ, हम आपको ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार भोजपुरी में जिस तरह के लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर वो चाहे नए कलाकार हो, फिर वो चाहे स्टैब्लिश कलाकार हो, वो सभी कुछ न कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सिवाय खेसारी लाल यादव के। आप खेसारी लाल यादव के गानों के वीडियोस देख लीजिए, आपको सभी एक जैसे ही दिखेंगे। आप उनके कॉस्ट्यूम देख लीजिए, आपको सभी एक जैसे ही दिखेंगे। एक जैसा चीज़ें देखते देखते पब्लिक थोड़ा नया चाहती है, और नया खेसारी लाल यादव को देना ही पड़ेगा क्योंकि अगर उन्हें इंडस्ट्री में जमे रहना है। वैसे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि विवेक सिंह के साथ जब से खेसारी लाल यादव जुड़े हैं, खेसारी लाल यादव के क्रिएटिविटी में कमी आ गई है। वैसे आप देख सकते हैं कि खेसारी लाल यादव के पास फौज है राइटरों की, संगीतकारों की, गीतकारों की, एक एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी फौज है, और सभी अच्छा करने वालों में से है। ऐसा ये नहीं है कि लोग ख़राब करने वालों में से हैं। अगर अच्छा करने वालों में से नहीं होते तो आज खेसारी लाल यादव एक बड़ा नाम नहीं बनते। आप सभी जानते हैं कि ये इनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है राइटरों, संगीत का, प्रोड्यूसरों का, सभी का एक स्टार को बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है, ये सभी जानते हैं। तो अगर खेसारी लाल यादव ने अपने कुछ चीज़ों पर वर्क नहीं किया तो शायद खेसारी लाल यादव के लिए एक शब्द, एक ये जरूर कहना पड़ेगा कि आप हमेशा एक जैसी ही घिसी पिटी रटी रटाई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। और इसका ताजा उदाहरण है पवन सिंह का पुदीना वाला सॉन्ग, या फिर आप अंकुश राजा का कोई भी गाना इन दिनों उठा कर देख लीजिए, आपको पूरी तरह से एहसास हो जाएगा कि खेसारी लाल यादव जो परोस रहे हैं सिर्फ एक जैसा परोस रहे हैं। अब भोजपुरी में वही टिकेगा जो अश्लीलता से दूर होगा और कुछ नयापन लेकर आएगा। अगर आप पवन सिंह के या फिर रितेश पांडे की पूर्वी बैरिया गाना देख लीजिए और पवन सिंह का पुदीना वाला सॉन्ग देख लीजिए, या फिर अंकुश राजा का, या फिर अरविंद अकेला कल्लू का मिजाज सनकावेलू, सभी गाने बिल्कुल अलग तरह के हैं, अलग जॉनर के हैं। कहीं पे आपको कॉमेडी दिखेगी, कहीं पे आपको सीरियसनेस दिखेगा, कहीं पे आपको एक कट, कहीं पे आपको एक रोमांस दिखेगा। लेकिन खेसारी के गानों में सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, खेसारी लोकेशन भी चेंज नहीं करते। सबसे बड़ी बात है, बड़ी ही जल्दी जल्दी 3 से 4 घंटे में गाने की रिकॉर्डिंग करते हैं, और हफ्ते में आप खेसारी लाल यादव को देख लेंगे तो हफ्ते में वो कम से कम 3 से 4 वीडियोस लेकर आते हैं। जनता समझ नहीं पाती, उन्हें वक्त चाहिए कि एक वीडियो से दूसरे वीडियो तक स्विच करने के लिए। हाँ, उन्हें ये लग रहा होगा ये मज़ा थोड़े ही टाइम का होता है। आप अगर उसे गौर से देखें, गौर से समझें, तो आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि खेसारी का ये सॉन्ग कब आया था। इसलिए खेसारी को संभलने की ज़रूरत है। खेसारी जैसा सुपरस्टार जो कि इतना ज़मीन से जुड़ा है, ऐसे सुपरस्टार भोजपुरी में बड़े ही कम हैं जो कि लोगों के दिल तक डायरेक्ट पहुंचते हैं। वैसी पहुंच ना पवन सिंह के पास है, ना निरहुआ के पास है, ना ही अब की जनरेशन में किसी स्टार के पास है जो पहुंच खेसारी लाल यादव के पास है। खेसारी लाल यादव ये भली भांति जानते हैं कि वो जो देंगे लोग उसे कभी इनकार नहीं करेंगे क्योंकि खेसारी उनके दिल में रहते हैं। लेकिन खेसारी को ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि खेसारी कि स्टारडम हमेशा किसी का नहीं रहता है, वो जगह खाली करनी ही पड़ती है। लेकिन आपके लिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि राजेश खन्ना बहुत से बन जाते हैं, अमिताभ बच्चन बनने के लिए सदियाँ चाहिए। तो खेसारी के लिए हम यही कहेंगे कि आपके लिए सदियों तक कोई याद रखे भोजपुरी और आपको, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप कुछ नया कीजिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।